हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग आप सभी को। आप लोग अगर थंबनेल देखा तो आपको शायद पता होगा जो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाला है। 2022 में दोस्तों ये काम नहीं होगा, 2023 में दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। तो आने वाला फ्यूचर में आपके लिए भी बहुत बड़ा अपडेट है और हमारा इस यूट्यूब चैनल की तरफ से जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको भी शायद फायदा होगा। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, तब दोस्तों आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेकर। दोस्तों मैं बहुत दिन के बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे को पता था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दोस्तों बहुत नीचे आ जाएगा धीरे धीरे और कम डाउन जैसा हो जाएगा। क्योंकि आपको शायद पता है दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी जो ऑनबोर्डिंग होता है वो दोस्तों ज्यादातर नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आप किस तरह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकती है। अगर आप लोग दोस्तों अप्लाई कर चुका है तो आपको कैसे करना है, चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए कोशिश करूंगा। आप दोस्तों घर बैठे अप्लाई कर सकती है और दोस्तों कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकती है। दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले यूज करना है मोबाइल एप्लीकेशन। इस मोबाइल एप्लीकेशन को आपको पता होगा जरूर, क्योंकि मैं इस वीडियो को माध्यम से बताया था, पहले एक वीडियो बनाया था उस वीडियो में बोला था इस मोबाइल एप्लीकेशन का मदद से आप कम से कम 10 से 15 सर्विस आप एक्टिवेशन कर सकती है घर बैठे, आप दोस्तों सर्विस को चालू कर सकती है। तो कैसे करेगा उसे लिए दोस्तों हमारे पास एक मोबाइल फोन है, जिस मोबाइल फोन का जरिए हम लोग दोस्तों जानेंगे ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो भी सर्विस है वो हम दोस्तों आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है इस वीडियो को। तो मैं चलिए मैं मोबाइल को यहाँ पे चार्ज में ला लेता हूँ। और ये दोस्तों हमारे पास एक मोबाइल फोन है, और इस मोबाइल फोन में दोस्तों इस एप्लीकेशन को हम लोग डाउनलोड करके रखा है, और इस एप्लीकेशन का मदद से दोस्तों आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हर कुछ सर्विस दोस्तों घर बैठे करवा सकते हैं, ठीक है। और सीएसपी लेने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारा सर्विस भी मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, स्क्रीन में रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आपको पता होगा दोस्तों मैं कुछ ना कुछ नया अपडेट लेकर आता हूँ हमारे चैनल की तरफ से। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों साइड में दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, अभी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो साइड में हम लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखो आप भी देखो इस एप्लीकेशन में दोस्तों पोस्टल इन्फो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन में भी पोस्टल इन्फो आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट में आपको चला जाना है। इस एप्लीकेशन दोस्तों प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकती है, जहां से भी आप डाउनलोड करना है कर सकती है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सामने इस तरह फॉर्म खोल कर जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट सर्विस, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम लिखना है, ये एड्रेस लिखना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस में क्लिक करना है। आप दोस्तों क्या सर्विस यहाँ से लेना चाहते हैं, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकती है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का क्या सर्विस आप यहाँ से मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से लेना चाहता है। क्योंकि आपको डेस्कटॉप के बारे में पता नहीं है, आप डेस्कटॉप में लॉगिन नहीं करना चाहता है, भाई मैं मोबाइल से करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सैंपल क्लिक करना है, आईपीपी आधार, यहाँ पे आधार सर्विस में क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सामने इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका सामने दोस्तों आएगा तीन ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्या देखो, डेस्कटॉप, विड्रॉल और अकाउंट ओपनिंग। यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खोल लेना है आपको। आपको पता होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग जो होता है वो दोस्तों आधार ओटीपी के थ्रू करेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, तो आप इस तरह कर सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर से दोस्तों यहाँ पे बैग आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह इंटरफेस आता है, ठीक है। छोटा बच्चा के लिए भी आप आधार कार्ड यहाँ से बना सकती है, लेकिन हमको क्या करना है दोस्तों, आधार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग तो रजिस्ट्रेशन कर लेगा, जो हमको एक अकाउंट ओपनिंग का सर्विस चाहिए, चाहिए चाहिए आपको यहाँ पे आपको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगा। लेकिन मेन फंडा दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे भाई लोग इस एप्लीकेशन के बारे में भी बना दिया वीडियो, बहुत सारे भाई लोग बना दिया है। और इस एप्लीकेशन को आपको पता हो दोस्तों, इस एप्लीकेशन कम से कम अभी 2 मिलियन से डाउनलोड ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो सैंपल गूगल क्रोम में आ जाना है। यहाँ पे गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आपको चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, गूगल क्रोम में आने का आ जाना है आपको यहाँ पे। चलिए एक फटक से क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे न्यू टैब में, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। दोस्तों यहाँ पे लिखना है एडवर्टाइजमेंट, लिखना है यहाँ पे आईपीपी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आईपीपी एडवर्टाइजमेंट लिखना है दोस्तों। जब दोस्तों आईपीपी एडवर्टाइजमेंट लिखेगा यहाँ पे आप लोगों के सामने नीचे आ जाएगा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, गूगल क्रोम से करना है, ठीक है। वहां से आप लोग तो देखा है वहां से कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारे भाई लोग बता रहा है कि भाई वहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहां से नहीं होता है। मैं भी चेक किया हूँ, आप लोगों को मैं उल्लू बनाया हूँ ऐसा आप बोल सकती है, भाई आपने उल्लू बना दिया, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाया हूँ, आप वहां पे नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे आ जाना है आईपीपी एडवर्टाइजमेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यहाँ पे आपको आ जाना है। नेट स्लो होने का कारण दोस्तों यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्कल एंड ब्रांच में क्लिक करना है। जब दोस्तों सर्कल एंड ब्रांच में क्लिक करेगा तो आप लोगों के सामने दोस्तों ब्रांच खुल के आ जाएगा। उस ब्रांच का साथ जो भी आपका स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजर होगा उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ से निकल लेना है और आप वहां से काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या काम करना है दोस्तों, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और IIBF का सर्टिफिकेट और आपका जो जहाँ पे आपका जमीन है उस जमीन का दोस्तों एक पेपर होना चाहिए, उस दुकान का फोटो बाहर से अंदर से फोटो लेना है और आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। 3 महीने का अंदर जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा वही आपको लेके जाना है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं जाना लेके जाना है। 6 महीने का पुराना सर्टिफिकेट आपको नहीं चलेगा पुलिस वेरिफिकेशन, जो दोस्तों रियल है 3 महीने का अंदर आपको होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से क्या जानकारी मिला है दोस्तों, कोई कुछ नहीं मिला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ ही नहीं है। मैं इसीलिए बना दोस्तों इस वीडियो के अंदर क्योंकि दोस्तों 2022 में दोस्तों बहुत सारा भाई लोग इस तरह फ्रॉड हो चुका है, उल्लू बन चुका है, इस तरह बहुत हुआ है। तो मैं इसलिए दोस्तों इस वीडियो का बनाया हूँ, कुछ माइंड में आप लोग नहीं लेना क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रिक नहीं बोला हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ट्रिक इसीलिए मैं नहीं बोला क्योंकि आपको शायद पता है दोस्तों सभी इस तरह उल्लू बनाने के लिए वीडियो बनाता है, हर आदमी लोग पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं शुरू से रास्ता बता दिया हूँ। कोई भी दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन से भी नहीं होता है, यहाँ से आप लोग दोस्तों डायरेक्ट इस जगह से आपको करना है गूगल क्रोम से और यहाँ से डायरेक्ट आपका जो मैनेजर होगा दोस्तों उसका नंबर निकलना है, ईमेल आईडी निकलना है। अगर आप लोग दोस्तों देखना चाहता है तो हमारा ऑलरेडी वीडियो है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक किए, आई बटन चेक किए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू भाई।